नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल स्काई। चेहरा कितना भी खूबसूरत और ग्लोइंग क्यों ना हो, लेकिन अगर उस पर पिंपल्स के भद्दे दाग धब्बे हैं तो ये अधूरी नजर आती है। बहुत सारे लोग इन जिद्दी दागों को हटाने के लिए घरेलू नुस्खों से लेकर बाजारी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये जिद्दी दाग फिर भी पीछा नहीं छोड़ते। आज जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं वो अपना असर तो दिखाएगा ही, साथ ही में पैसे की बचत भी करेगा। पूजा पाठ के लिए कपूर का तो लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण शामिल होते हैं जो कई तरह की स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं। ये कील मुहासों और उसके जिद्दी धब्बों का खात्मा करता है। फटी और दरारों से भरी एड़ियां हमारी पर्सनैलिटी पर बुरा असर डालती हैं। इनके फटने का कारण खून की कमी और स्किन ड्राइनेस भी हो सकता है। इन्हें मुलायम बनाने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा कपूर और नमक डालें। इसमें पैरों को कुछ समय के लिए डुबो कर रखें और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाएं। त्वचा पर किसी भी प्रकार के दाग व धब्बे को दूर करने के साथ कपूर का उपयोग कटे व जले हुए निशान को ठीक करने के लिए भी किया जा सकता है। इसका उपयोग करने के लिए आप थोड़े से पानी में कपूर के टुकड़े को मिलाकर उस जगह पर लगाएं जहां का हिस्सा आपका जल या कट गया है। ये सूजन को दूर करने के साथ उस जगह पर तुरंत राहत पहुंचाने का काम करता है। कपूर को सीधा लगाने की गलती ना करें, इससे स्किन पर इरिटेशन हो सकती है। कपूर के चूर्ण को नारियल के तेल में मिलाकर पिंपल्स व दाग धब्बे वाली जगह पर लगाएं। ऐसा कुछ दिन लगातार करें, दाग धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। कपूर चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने के साथ साथ सांवलेपन को भी दूर करता है। कपूर और नारियल के मिश्रण से चेहरे की 10 मिनट हल्के हाथों से मसाज करें, इससे आपको दमकती त्वचा मिलेगी। तो इस तरह कपूर का इस्तेमाल करके आप अपनी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बना सकते हैं। लाइफस्टाइल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बोल स्काई।